हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडरी ऑफिसर्स के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 86 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 9 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2030 तक अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिसर नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर IDBI बैंक का ये पोर्टल खुलेगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक केयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहां पर एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहां पर आपको फर्स्ट इस पहले कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और डोमेन इधर सेकंड इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना है सेकंड कॉलम में से। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर आपको यहां पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहां पर अब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको यहां पर इन फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले गाइडलाइन रीड कर लेनी होगी। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। यहां पर आपका फोटो 10 से 60 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 10 से 30 KB के बीच में और आपके दोनों डॉक्यूमेंट JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करके इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हो। हम यहां पर आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे, बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। फिर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फंक्शनल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उन फैमिली मेंबर्स के चाइल्ड हैं या फिर मेंबर हैं जो 1984 के दंगों के दौरान मारे गए थे। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप IDBI बैंक लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डोमासाइल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमासाइल आपके पास है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें और फिर उनका जेंडर सिलेक्ट करके उनका नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम यहां पर एंटर करना है
है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको यहाँ पर इस चेकबुक को ओके कर देना होगा, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज, हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर में पोस्ट कोड कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग में फंक्शनल एरिया मिड लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप स्ट्रक्चर डिटेल असेस्ड क्रेडिट सॉल्यूशन सेंटर रिटेल बैंकिंग के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है किसी कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट फंक्शंस या फिर सेनेक्शन क्रेडिट मॉनिटरिंग, क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन या फिर क्रेडिट रिस्क में किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। यहाँ पर अगर आपके पास MBA की डिग्री होगी तो यहां पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, आपको यहां पर देना है सबसे पहले कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम। यहां पर अगर पहले आपने कॉलेज का नाम दिया है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिग्री बतानी है किस सब्जेक्ट में थी या स्ट्रीम में थी। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करें। फिर यहाँ पर अपनी क्लास या ग्रेड सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कंप्यूटर में आपके पास प्रोफेशनसी है, अगर है तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो पोस्ट आपने ऊपर सेलेक्ट की है, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर आपको यहां पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम देना है, उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहां पर आपको अपना डे सेलेक्ट करना है, कब से आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और कब तक आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी, यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है डे, मंथ और ईयर। और फिर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी बतानी है, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसको छोड़ने का कारण यहां पर दें। इन एक्सपीरियंस की डेट्स के मुताबिक यहां पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा मंथ्स में और ईयर में। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और रो यहां पर ऐड हो जाएगी, और ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है, कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, हिंदी में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहां पर प्रोवाइड करा दें। और फिर यहां पर आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा, आपको इस पेज को कंप्लीटली रीड करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। हमने यहां पर आपको ऐसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करके दिखाया है, ऐसी कैटेगरी को यहां पर 200 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। जनरल ओबीसी EWS को 1000 रुपए फीस जमा करानी है, SC ST PH को 200 रुपए यहां पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे, ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहां पर आपको ये फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहां पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी फीस पेमेंट करना चाहते हैं यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेबिट कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का CVV नंबर आपको देना है, फिर कार्ड होल्डर का नेम यहां पर आपको एंटर करना है और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना IDBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें,
चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।